और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ब्लू टिक जब तक आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले आ जाना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आने के बाद में आप जो भी अकाउंट डिलीट करना चाहते हो उसको यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक अकाउंट है रियल म्यूजिक करके, इस अकाउंट को करने वाला हो परमानेंटली डिलीट। तो आप लोगों को सिंपली इसी तरीके से अपना जो भी प्रोफाइल डिलीट करना है उसमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसके बाद में आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन जो दिख रहा होगा लास्ट वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो यहाँ से ही परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे इंस्टाग्राम को दिखाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ऑफिस से दिखाया जाएगा, जो डीएक्टिव अकाउंट, जो आपका डीएक्टिव हो जाएगा अकाउंट, और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ब्लू टिक जब तक आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको कोई भी एक रीज़न की वजह से आप डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दे देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो क्रिएट ए सेकेंड अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो अनदर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में वापस से क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है इंस्टाग्राम का, आपने मोबाइल नंबर से बनाया था या ईमेल आईडी से बनाया था, उस टाइम पे एक पासवर्ड दिया होगा, जो भी दिया होगा यहाँ पे दे देना। तो यहाँ पे मैं सिंपली पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड दे दिया, अभी कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, तो यहाँ पे 1 जुलाई है आज, तो ये 30 दिन के बाद में परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 30 दिन तक ये डीएक्टिव होके रखेगा। तो अगर आपको वापस से रिएक्टिव करना है 30 दिन के अंदर कर सकते हो, अगर आप रिएक्टिव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद में ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है डिलीट करने का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपको 2-4 सेकेंड टाइम लगेगा, इसके बाद में आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अकाउंट रियल म्यूजिक नाउ शेड्यूल फॉर डिलीटेशन। तो इसी तरीके से आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट डाउन करो, तो आपके कमेंट के ऊपर दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है।